जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करते हैं कि कैसे रहेगा 31 मई का दिन। 30 मई मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस जो हैं वो रेजोनेट कर रही हूँ। और लेट्स सी कि 31 मई का दिन जो है वो कैसा रहेगा, महीने का आखिरी दिन। सो 31 मई का दिन हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। राधे कृष्णा। 31 मई 2023, 31 मई का दिन हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। ओके सो मैं दूसरा सेट ही ले रही थी कार्ड्स का, बट समवेयर समथिंग इंडिकेटेड कि चेंज करना है और ये वाला लेना है। सो लेट्स सी व्हाट स्पेशल मैसेज वी हैव फ्रॉम दिस, एंड लेट्स सी भारत के लिए कैसा रहेगा 31 मई का दिन। और ओके, भारत के लिए कैसा रहेगा 31 मई का दिन। लेट्स माई डॉग। भारत के लिए कैसा रहेगा 31 मई का दिन। और लेट्स सी विश्व के लिए कैसा रहेगा 31 मई का दिन। चुबो। ओके सो एक कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक दैट अप ऑल्सो। ओके सो और अब आपके लिए देख लेते हैं हमारे लिए 31 मई की गाइडेंस क्या है। सो गाइडेंस फॉर 31 मई। गाइडेंस फॉर मई 31st। ओके ओह टू कार्ड्स। ओके चलो लेट्स स्टार्ट कि कैसा रहने वाला है 31 मई का दिन हम सबके लिए। तो सबसे पहले 31 मई का दिन एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है वो मदरहुड की एनर्जी होती है, नर्चरिंग एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है, चीज़ों के मूवमेंट की एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके स्टमक जो है वहाँ पर आपको प्रेगनेंसी की तरह अर्थ एनर्जी दिखाई देगी, और यहाँ पर सी की एनर्जी दिखाई देगी, जहाँ पर एक्चुअली इफ़ यू सी ऑल द फिश जो भी मछलियाँ हैं, सारी फिश जो हैं वो दूसरी तरफ मूव कर रही है। यू सी दे आर ऑल मूविंग इन द अदर डायरेक्शन, विच मीन्स क्लियरिंग। तो कोई चीज़, कुछ एनर्जीज, कुछ सिचुएशंस जो हैं वो आपके लिए क्लियर होंगी, कुछ सिचुएशंस जो हैं कंप्लीटनेस की तरफ जाएंगी। और दूसरा, खुद को नर्चर करना और ख़ुद को कंफर्ट देना जो है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, और नर्चरिंग एनर्जीज जो हैं वो और ज़्यादा पावरफुली उनके साथ आप कनेक्ट करोगे। दूसरा कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। दीज आर ब्यूटिफुल कार्ड्स, क्योंकि दूसरा भी मेजर अर्काना है। और स्ट्रेंथ कई बार इनोसेंस में भी स्ट्रेंथ होती है, और उस इनोसेंस को सही तरीके से इस्तेमाल करना जो है वो आपको असली पावर देता है। तो यहाँ पर इसमें एक हाफ लायन हाफ इंसान है, और यहाँ पर एक छोटा सा मेमना है, एंड द लायन टेक्निकली लायन जो है वो शिकार करता है, बट यहाँ पर द लायनेस इन हर इज प्रोटेक्टिंग दिस स्मॉल लिटिल लैम्ब। तो उसके अंदर की लायनेस जो है वो इस मेमने को प्रोटेक्ट कर रही है। हर हार्ट इज इंटैक्ट। सो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना, फेमिनिन मैस्कुलिन का बैलेंस रखना, दीज आर थिंग्स विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इस दिन के लिए। और बहुत पावरफुली आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना पड़ेगा, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली द एनर्जीज आर गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड नर्चरिंग। तीसरी एनर्जी जो है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है यहाँ पर, इट इज़ लाइक शी इज कम्प्लीटेड द पिक्चर दैट शी हैड टू, और उस पिक्चर को कम्प्लीट करके उसने अपना पेंट ब्रश जो है वो हवा में उछाल दिया है, या शी वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग इन द स्काई, और उसने अपने पेंट ब्रश को तैयार करके हवा में उछाल दिया है। देयर इज अ पोर्टल ओपनिंग अप राइट बिहाइंड हर। तो इट इज प्रिपरेशन एंड कम्प्लीशन, एक स्टेज की कम्प्लीशन, अगली स्टेज की प्रिपरेशन, दैट्स द एनर्जी। और यहाँ पर लास्ट कार्ड जो है वो 10 of Swords है। 10 of Swords अगेन एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग बताता है। इट इज़ लाइक इनफ ऑफ द न्यूसेंस, इनफ ऑफ द शोर शराबा, और नाउ आई एम गोइंग टू द होराइजन। मैं एक नए सनशाइन की तरफ, एक नई सनलाइट की तरफ जा रही हूँ, और सब कुछ जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, टेंशन्स हैं, उनको पीछे छोड़ रही हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी वाइज आई फील दैट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल डे, बिकॉज आउट ऑफ 4 मेजर अर्काना के कार्ड्स आए हैं। दूसरा 111 की एनर्जी भी आई है। सो 8, 9, 10, 11 रादर
देर इज़ फाइव टाइम वन, सो एट नाइन टेन इलेवन, टू वंस यहाँ आ गए, टू वंस यहाँ आ गए और एक वन यहाँ आ गया, फाइव टाइम वन की एनर्जी आई है. दिस इज़ डेफिनेटली अ रिहाइड्रेशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू. एक नया फेज़ आपके लाइफ में शुरू होना, एक नया वक्त आपके लाइफ में शुरू होना, एक नई एनर्जी आपके लाइफ में शुरू होना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. आपने किसी भी चीज़ में अगर अपने आप को इंडल्ज किया है, किसी भी चीज़ में बहुत एफर्ट डाले हैं, तो वो एफर्ट जो हैं वो फुलफ़िल होंगे. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ें, बिकॉज नाउ यू रियलाइज दैट इट वॉज नेवर मेंट फॉर यू, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर पॉसिबल है. अगर आपको हेल्थ वाइज कोई सर्जरी सजेस्ट की गई हो या कुछ ऐसा, तो हो सकता है आपको नया ऑप्शन मिल जाए, अलग ऑप्शन मिल जाए, या हीलिंग हो जाए और सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े. और आज का दिन आपने कोशिश क्या करनी है कि अपनी हॉबी, कोई भी हॉबी अगर आपकी है, तो उसको ज़रूर उस पर ज़रूर फोकस करना है और अपने आप को नर्चर ज़रूर करना है. डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, मे बी जो भी आप कर सकते हैं अपने लिए. इट कुड बी एज सिंपल एज अपने लिए एक जूस का ग्लास तैयार करना और बैठ के उसको पीना, या एक फ्रूट कट करना और उस फ्रूट को खाना. बट डू समथिंग नर्चरिंग फॉर योर सेल्फ. डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखना है. स्टमक हेल्थ इज समथिंग दैट आई एम सीइंग लाइक अ कुड बी अ प्रॉब्लम, बट ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे यहाँ पे नर्चरिंग मदर के साथ कनेक्ट जो है वो स्ट्रांग हो सकता है आज का दिन. तो ये एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, या मदर के साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो तो वो सॉल्ट हो सकता है, वो भी एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. बट एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं एंड इट इज़ लाइक मतलब बिल्कुल एक नई शुरुआत की एनर्जी है. नाउ लेट्स सी फॉर इंडिया. इंडिया के लिए फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी पहली आई है. फाइव ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी होती है अगर आप देखें, बट दिस ये डिसअपॉइंटेड मतलब अगर आप देखें, चार कप उल्टे पड़े हैं, एक कप इसके हाथ में पड़ा है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द ब्लू एंड फीलिंग ब्लू, देर इज़ अ रेड रिबन इन हिज हैंड. आपको दिखाई देगा देर इज़ अ रेड रिबन, देर इज़ पैशन, देर इज़ होप, विच मीन्स दैट इंडिया किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे होपलेसनेस बहुत ज़्यादा थी, उसमें एक नई होप, एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हो वेयर इट हैड बिन टोटल लॉस और वहाँ से एक गेन जो है वो शुरू हो, बिकॉज यहाँ पर भी इफ़ यू सी द एनर्जी इज़ क्वाइट सिमिलर. डेथ की एनर्जी है, लेकिन वो डेथ जो है, स्कल जो है, उसके अंदर से एक ट्री निकलना शुरू हो गया है. सो यू सी फोर कप्स, एक कप सीधा, लेकिन यहाँ पर रिबन है एंड दैट इज़ गोइंग टू फिल इन द कलर्स. यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, स्कल है, लेकिन वहाँ से पेड़ निकलना शुरू हो गया है. और लास्ट एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून है. नाउ यू सी यहाँ पर भी सिमिलर एनर्जी है. दिस वन लुक्स सैड, वो रस्सी दोनों ने पकड़ी है, राइट. दिस वन लुक्स सैड, वो बिल्कुल स्टक एनर्जी में है. दिस वन लुक्स हैप्पी कि वो इस एनर्जी को देख रही है, इन्जॉय कर रही है. बट यहाँ पर जो सैड है, वहाँ पर फ्लावर्स उग रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ घास है, बट शी इज़ हैप्पी विद द घास. और यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं गिरे हुए एंड इफ़ यू सी यहाँ पर फ्लावर्स उगना शुरू हो गए हैं, विच मीन्स दैट इंडिया के लिए मुझे एक बहुत बड़े रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है. एक बहुत बड़ी तरह से किसी चीज़ को रीस्टार्ट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है. आउट ऑफ नथिंग कुछ क्रिएट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है. और एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है. एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन. तो आप लोग बहुत क्लियरली इसको देख पाओगे और मैं बोलूँगी कि अगर जो भी आप देखते हो, जो भी इंडिया के लिए होता है, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा. और अगर वीडियोस रेजोनेट करें तो शेयर ज़रूर कीजिएगा आगे. और बट इंडिया के लिए बहुत क्लियर एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वेयर कुछ आउट ऑफ नो वेयर मतलब एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. द व्हील्स आर टोटली गोइंग टू शिफ्ट एंड चेंज. वर्ल्ड के लिए क्या एनर्जी है, सेलिब्रेशन एंड फाइट दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं. सो इट इज लुकिंग लाइक जो ओके सो कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर मुझे दो तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है. एक सम कंट्रीज़ विच हैव बिन फाइटिंग टुगेदर, मतलब वो एक दूसरे से फाइट करती रही हैं, या एक दूसरे के आसपास उन्होंने मतलब हमेशा उनका पोज या हमेशा उनका स्टैंड एक दूसरे के अगेंस्ट रहा है. दे माइट सडनली कम टुगेदर, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. दूसरा देर कुड बी दैट वॉर में कुछ
पॉजिटिव हो जो अभी तक चल ही रही है, उसमें कुछ रशिया यूक्रेन उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी हो या उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम की तरफ आने की सिचुएशन हो। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेड है और इसके पीछे सिर्फ एक इंसान खड़ा है, बट ही स्टिल स्माइलिंग। रेड ऑरेंज और ये ग्रीन है, एंड इफ यू सी बोथ आर लाइक ग्रीन, बट उसका लोअर ऑरेंज है, ये ऑरेंज है लेकिन उसका लोअर ग्रीन है। सो देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड अ टुगेदरनेस। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली किसी तरह की वर्ल्ड लेवल पे किसी तरह की सेलिब्रेशन और वॉर एनर्जी में किसी तरह का चेंज होना दिखाई दे रहा है, किसी तरह के स्ट्रगल का एंड होना। दिस इज़ अनदर एनर्जी दैट आई सी। सो देर कुड बी वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज़ के साथ जो स्ट्रगल चल रही थी उसके एंड होने की या एटलीस्ट एक टॉकिंग वाले फेज़ में आने की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक और चीज़, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने मेंबरशिप स्टार्ट किया है चैनल पे। इट इज़ नॉट कॉस्टली एट ऑल और आप बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और जून 10th के बाद से मैं क्लासेस शुरू करूँगी, तो उससे पहले अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे तो आप क्लासेस जो हैं वो ले सकते हैं टैरो रीडिंग की। ओके सो और एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासेस में कवर क्या क्या होगा, देन यू कैन मेक योर चॉइस। सो आपके मैसेजेस क्या हैं? मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माय ड्रीम्स आर कमिंग थ्रू, लिसनिंग विद योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माय हार्ट। ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं दोनों, बहुत ब्यूटीफुल और लिटरली वही एनर्जी है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग क्योंकि स्ट्रेंथ है, एम्प्रेस है, ये पेंट पूरा पेंट ब्रश फेंकना है जहाँ पर आपकी पेंटिंग पूरी हो गई है एंड देन एक फेज़ से दूसरी फेज़ की तरफ जाना है। सो इट इज़ लुकिंग लाइक देर इज़ अ ड्रीम दैट इज़ गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड। और अपने दिल की आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का दिन ज़रूर अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। और 1111 तो ऑटोमेटिकली एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की, एनर्जी है न्यू बिगिनिंग की, एनर्जी है बहुत पावरफुल तरीके से एक नया स्टार्ट होने की और आउट ऑफ नोवेयर एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ आने की। आई कैन टेल यू, मुझे इस दिन की एनर्जी, मतलब मुझे पता नहीं वर्ड्स में कितना ट्रांसफ़र हो पा रहा है, लेकिन मुझे 31st की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और आई कैन डेफिनेटली से कि एक नया इट विल बी अ स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ फॉर मैनी पीपल। सो दैट्स द एनर्जी। सो अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं, अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक पहुँचा दीजिए, औरों को भी हेल्प मिलेगी। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।